हुआ है। इतना पैसा कौन मांगता है? अरे जो पैसा जायज हो, जो पैसा लिया जाता है, वो पैसा मांग लो। हल्का सा पेट में दर्द। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? कहाँ जाती हूँ, कहीं तो नहीं जाती हूँ। मैं सारे काम करता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। खूंटी से सब्जी लेकर आती थी मार्केट से, और आपने मेरा वो भी बंद करवा दिया। घर पर ही तो रहती हूँ, कुछ तो नहीं करती। बस घर में रहना है। हाँ, तुम स्कूटी चलाती थी, हमने बंद करवा दिया। वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए। आज से स्कूटी वगैरह चलाना बंद। मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ और घर के काम भी तो नहीं कर पाती हूँ। बस तुम्हें घर में रहना है और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, ठीक है? कितना बैठूंगी, सारा दिन बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। कितना बैठूंगी बताइए आप। मैं ऑफिस जाता हूँ और जाते समय मैं वहाँ पर किसी से बोल दूंगा, कोई काम वाली को, जो घर में आएगी और तुम्हारे सारे काम कर देगी, ठीक है? तुम बहुत आराम करना। तो मैं अभी चलता हूँ ऑफिस और मैं वहाँ से जाके बोल दूंगा। तुम अपना ध्यान रखना सुनीता। तो मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। कोई लापरवाही नहीं, ठीक है? ध्यान रखना। लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं किसी से बोलूंगा, अगर कोई काम वाली दिखी मैं घर भेज दूंगा और तुम उससे बात कर लेना। मैं तैयार हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा उठना चाहती हूँ। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से किसी का लेता हूँ। आराम करो, आप चिंता मत करिए। बाय बाय बाय। मैं मिलता हूँ शाम को। जल्दी आइएगा। कुछ गड़बड़ नहीं करना, अपना ध्यान रखना। मैं आपका इंतजार करूंगी। उठती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ अपने से, जाती हूँ, नहा लेती हूँ। नहाया नहीं कई दिनों से, नहा लेती हूँ। कौन कौन आया है? नमस्ते मालकिन। वो साहब भेजे हैं उनका। मालकिन अंदर नहीं बुलाई? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। साहब बोले कि घर चली जाओ तो चले आए। बैठो। शांता, तुम्हारा नाम शांता है ना? बताओ किसने भेजा है? हमका साहब भेजे हैं और कहत रहे कि वो एक जने हैं, उनके यहाँ चली जाओ, काम करना है। कोई साहब भेजे हैं? बताइए मालकिन, क्या काम करना है? काम करना था झाड़ू पोछा और बर्तन। हम तो बस वही झाड़ू पोछा करत है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे हमारे कम से कम मालकिन 10 घर है। बहुत लोगों ने यहाँ की हो और 10 साल से काम पकड़े हैं। और मालकिन तुम झाड़ू पोछा बर्तन का क्या लोगी? इका हम 5,000 रुपया ले थे। खाना बनाने का क्या लोगी? अगर रोटी बनवाई है तो 5000 रोटी बनवाई ले। इतना पैसा कौन मांगता है? अरे जो पैसा जायज हो, जो पैसा लिया जाता है वो पैसा मांग लो। अरे यार 5000 रुपया तो बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हो, तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी मांगेगी दे देंगे, कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो बर्तन का जो पैसा लगता है बर्तन का बता दो, और जो खाना बनाने का पैसा है उसका बता दो। अरे मालकिन सुनीता इतना पैसा मांग रही है। पोछा झाड़ू पोछा बर्तन का 5000 हुआ और 5000 साहब खाना वाना बनवाएंगे तो 5000 खाना खाऊंगा। बाकी मालकिन का हम बता दिए हैं सबकी जो न हम कहाँ से आई है। अच्छा तुम पहले जमीन में बैठी हो, खड़ी हो जाओ, पहले खड़े होकर बात करो। ठीक है आप खड़े हो जाते हैं। आप लोग उनकी दुआएं हैं। हाँ खड़े हो गई। अब बताओ इतना पैसा कौन मांगता है? पति हमारा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ हम कमाते हैं और वो खाता है। तो साहब बताइए कब से आना है? जल्दी बताएं, हमको बहुत काम है। सुनीता इस समय हमें काम की जरूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी पैसा मांग रही है ये उसको दे देते हैं। ठीक है अपनी गरज पे तो गधे को बाप कहना पड़ता है। ठीक है तो अभी के लिए इसको रख लेते हैं। ठीक है ठीक। अच्छा कल से आ जाना। ठीक है साहब कल से आ जाएंगे। नमस्ते साहब। आप बैठिए, आप ये चाय बनाते हैं। चाय की जरूरत नहीं है, चाय की जरूरत नहीं है। तुम बैठो आराम करो और मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ और तुम्हें भी पिलाता हूँ। तुम बैठो। ज्यादा तो नहीं लगी? क्या तुम गिर गई थी? ओ माय गॉड, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम गिर गई थी। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम यहीं बैठी रहना, मैं सारे काम कर लेता आकर। यार अरे वो नहा रही थी तो नहा कर आ रही थी तो वहाँ बाथरूम के नहा रही थी, तो नहाने से कैसे ये हुआ? कैसे गिरी? मतलब पैर में थोड़ा सा पानी लगा था, पैर के पानी की वजह से फिसल के गिर गई। पैर में पानी लगा था? ज्यादा तो नहीं लग रही है। आपसे जब मैं घर में रहूंगा तभी नहाया करना मेरे सामने। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे गैर हाजिरी में नहाने की। मैं रहूंगा उसी समय नहा लेना। ठीक है कहीं लगी तो नहीं? चलो शुक्र है लगी नहीं, फिर भी मैं डॉक्टर के पास में ले जाऊंगा चेकअप कराने के लिए कि कहीं तो चोट तो नहीं लगी, बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी। शाम को चलता हूँ डॉक्टर के यहाँ, ठीक दिखा लूंगा, चेकअप करा लूंगा तुम्हारा। अब आराम करोगी? बस मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? सारे काम मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं आपसे काम नहीं करवाऊंगी मैं, अच्छा नहीं लगता है कि आपसे काम करवाऊँ। पहले तो आपके पास इतना काम रहता है, आप ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, फिर उस पर काम करेंगे। तुम्हें काम की बहुत चिंता रहती है ना। मैंने आज से अपनी जॉब घर पर ही लगवा ली है। आपने घर पे ही अपना काम मतलब वो कर लिया, वर्क फ्रॉम होम, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप आंखों के सामने रहेंगे। आज से मेरा जॉब घर पर ही होगा, वर्क फ्रॉम होम मैं करूंगा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आप चले जाते थे तो छोटे मोटे काम, कभी दूध वाला आ रहा है, कभी पेपर वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो जाना ही पड़ता था। खाना वाना तो वो बना देगी, मैं बाकी सारी चीजें मैं करूंगा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। हम बहुत अच्छे पति हैं। इसको निगरानी मत समझना, मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे की सेफ्टी चाहता हूँ यार। और आज से सारे काम धाम बंद, काम वाली करेगी और बाकी के काम मैं करूँगा। तुम बस आराम करोगी। मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप मुझे मिले। तुम्हारा पति तुम्हारी दुनिया है और तुम मेरी दुनिया। ठीक है। चेंज करके अभी आता हूँ। आप जैसा पति भगवान सबको